गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 22 एंड 23। लेट्स टू रीड। प्राउड इंडियंस, गर्वित भारतीय। इंडियंस हैव ब्रॉट लॉरल्स टू द कंट्री इन एवरी फील्ड विद देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। भारतीयों ने इस देश को ख्याति प्रदान की है। इन एवरी फील्ड, प्रत्येक फील्ड में, विथ देयर हार्ड वर्क, अपनी कठिन मेहनत से और डेडिकेशन से। आइडेंटिफाई एंड नेम दीज अचीवर्स, हमने इन अचीवर्स के नेम को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम को बताना है। द फर्स्ट, ही वॉज अ सोल्जर इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ऑफ द इंडियन आर्मी, हु लेड डाउन हिज लाइफ फाइटिंग अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट इन शोपियन इन कश्मीर। ही वॉज ए सोल्जर, वह एक सिपाही थे जम्मू कश्मीर में, लाइट इन्फेंट्री ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय जो सेना है, प्रकाश पैदल सेना उनके ग्रुप का नेम था, वो उसमें एक सिपाही थे। हु लेड डाउन हिज लाइफ, जिन्होंने अपने जीवन को गवा दिया, फाइटिंग अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट, आतंकवादियों से लड़ते हुए शोपियान में, जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में। ही वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री ऑनर, और उन्हें भारत के सबसे बड़े मयूर शौर्य पुरस्कार से नवाजा गया। अशोक चक्र पोस्टमसली, उनकी मृत्यु के उपरांत उन्हें अशोक चक्र अवार्ड दिया गया। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू हिज वाइफ एंड मदर ऑन जनवरी 26, 2019। 26 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उनकी वाइफ और मदर को यह अवार्ड दिया गया। ही ऑल्सो होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द फर्स्ट कश्मीरी टू बी कन्फर्ड द अशोक चक्र, और वह पहले कश्मीरी थे जिनको अशोक चक्र अवार्ड से नवाजा गया। हिज नेम वॉज लांस नायक नज़ीर अहमद वानी, राइट हेयर लांस नायक नज़ीर अहमद वानी। नंबर टू, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 में इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बने। ही वॉज फेलिसिएटेड एट द इंटरनेशनल स्कोरमा सैंड नेटिविटी फेटे इन इटली, और इटली में अंतर्राष्ट्रीय स्कोरमा सैंड नेटिविटी फेटे में समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया। ही क्रिएटेड अ 10 फीट हाई सैंड स्कल्पचर ऑफ महात्मा गांधी अलोंग विद रशियन आर्टिस्ट पावेल मिनिक्यो, और उन्होंने 10 फीट ऊंची सैंड स्कल्पचर बनाया था, रेत की मूर्ति बनाई महात्मा गांधी की रशियन आर्टिस्ट के साथ मिलकर, जिनका नाम क्या था, पावेल मिनिक्यो। दिस इंडियन नेम इज सुदर्शन पटनायक। नंबर थर्ड, ही वॉन द ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज एट 4th ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम्स कॉन्क्लेव हेल्ड ड्यूरिंग 6 to 8 November 2019 इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में 6 नवंबर से 8 नवंबर 2019 को
जो ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम कंक्लेव हेल्ड किया गया था, एक समारोह किया गया था, उसमें जो कौन सा था, फोर्थ। और इसमें उनको ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज से सम्मानित किया गया। ही वोन द फर्स्ट प्राइज कैरिंग 25,000 फॉर इन्वेंटिंग एन अफोर्डेबल इंडिजिनस मिल्क चिलिंग यूनिट फॉर स्मॉलर एंड मार्जिनल रूरल डेयरी फार्मर्स। जो ग्रामीण डेयरी फार्मर्स हैं, उनको उनके लिए उन्होंने एक छोटी और सस्ती उचित दाम वाली स्वदेशी मिल्क चिलिंग यूनिट का आविष्कार किया था, और उसके लिए इनको पहले प्राइस से सम्मानित किया गया, जो कितना था, $25,000 से। हिज नेम इज रवि प्रकाश। ब्रिक्स जो समारोह होता है, इसमें 5 कंट्रीज होती हैं। दीज कंट्रीज नेम आर ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। नंबर 4, ही इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के ये चेयरमैन रहे हैं। हु वॉज अवार्डेड ऑनरेरी फेलोशिप बाय रॉयल नैरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग द मेडल्स एंड अवार्ड्स प्रेजेंटेशन सेरेमनी इन लंदन। और लंदन में, जब लंदन में मेडल्स अवार्ड जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान इनको रॉयल एरोनॉटिक्स सोसाइटी के साथ काम करने के लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन रेसिपियंट ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन मोर देन 100 ईयर्स। 100 साल से भी अधिक सालों के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय बने। हिज नेम इज जी सतीश रेड्डी। नंबर 5, शी इज अ 20-year-old पुणे गर्ल हु बिकेम द फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल द ग्लोब। वह 20 साल की पुणे की लड़की है, हु बिकेम द फास्टेस्ट एशियन, जो सबसे तेज एशियन गर्ल बनी टू साइकिल द ग्लोब, विश्व में साइकिल चलाने पर। शी हैज कंप्लीटेड द 29,000 किलोमीटर डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एज बाई साइकिलिंग अक्रॉस द ग्लोब। और उसने 29,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को पूरा किया एज बाई साइकिलिंग एक्रॉस द ग्लोब, विश्व में साइकिल चलाकर। शी हैज स्पेंट 159 डेज पैडलिंग अप टू 300 किलोमीटर अ डे इन 14 सेंचुरी। उसने 14 देशों में प्रत्येक दिन 300 किलोमीटर साइकिल पैडल करके, जो उसने कब तक चलाई, कितने दिनों तक चलाई, 159 दिनों तक उसने अपन ये टाइम स्पेंड किया। द वर्ल्ड रिकॉर्ड इज इन द नेम ऑफ ब्रिटिश एडवेंचरर। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसके नेम है, ब्रिटिश एडवेंचरर जेनी ग्राम के, जो 38 साल की है। हु हैड साइकिल्ड द ग्लोब इन 124 डेज इन 2018। 2018 में उन्होंने 124 दिन तक साइकिल चलाई थी। दिस इंडियन गर्ल नेम इज वेदांगी कुलकर्णी। वेदांगी, सॉरी, वेदांगी कुलकर्णी।
जिन्होंने लगातार 159 दिन तक लगातार पैडल करके प्रत्येक दिन 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। कितनी कंट्रीज में? 14 कंट्रीज में। वेल स्टूडेंट्स, रीड अबाउट दीज पर्सनैलिटीज एंड ऑल्सो लर्न देयर नेम एंड ट्राई टू फाइंड अनदर पर्सनैलिटीज ऑफ दिस टाइप विद द हेल्प ऑफ गूगल। चैप्टर 23 मैथमेटिक्स, फन विद नंबर्स। हाउ गुड आर यू विद नंबर्स? आप नंबर्स के बारे में कितने अच्छे हो? आंसर दिस क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ। नीचे दिए गए क्वेश्चन का हमने आंसर देना है और फाइंड आउट करना है इनको। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड। यदि प्रत्येक नंबर की हम पहली और थर्ड डिजिट को हम इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं, विच नंबर विल बी द थर्ड लोवेस्ट? तो तीसरे नंबर का जो सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा? हमने फर्स्ट को और थर्ड डिजिट को चेंज करना है। 7, 8, 7, 3, 3, 2 और 8, 7। हमने थर्ड नंबर का बताना है तो क्या होगा? B 7, 43। द आंसर इज 7, 28। हमने थर्ड नंबर का लोवेस्ट नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 22 ईयर्स। एक आदमी और उसके बेटे की एवरेज एज 22 ईयर्स है। द रेशियो ऑफ देयर एज इज 19:3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैन्स एज? हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 19 + 3 = 21 और ये एवरेज एज दी गई है, यानि कि इन दोनों की एज को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। 44 इंटू, इसमें हमने मेंस की बतानी है तो 90/21 कट कर दो। द आंसर इज 38 ईयर्स। स्मिता एंड सुनील आर सेलिब्रेटिंग देयर रूबी वेडिंग एनिवर्सरी। स्मिता और सुनील वो अपनी रूबी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाउ मैनी कैंडल शुड दे लाइट? रूबी एनिवर्सरी 40 ईयर्स स्पेंड होने के बाद मनाई जाती है। 40, वो कितनी कैंडल लाइट करेंगे? 40। द आंसर इज 40 कैंडल्स। इफ़ यू ड्राइव टू अ शॉप एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 mph एंड रिटर्न एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 mph, इस स्पीड में आप शॉप पे ड्राइव भी कर रहे हो और फिर वापस भी आ रहे हो, व्हाट इज़ योर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी? इस पूरी जर्नी में जो में हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड को। 30 + 20 एंड डिवाइड बाय 2, 50/2 यानी कि 25 mph। द आंसर इज 25। वट इज़ द लोवेस्ट नंबर इंटू विच ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 कैन बी डिवाइडेड? हमने सबसे लोवेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है जो डिवाइड हो सकता है 1 to 10 किसी भी नंबर से, 1 से लेकर 10। इस डिजिट के किसी भी नंबर से, 1 से लेकर 10 किसी भी नंबर से हम इजिली उसको डिवाइड कर सकते हैं। द आंसर इज 2520। एट वट टेम्परेचर डू द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल्स को इनसाइड? इट मीन्स जो सेंटीग्रेड और फारेनहाइट है ये किस तापमान पर जाकर एक समान हो जाते हैं? -40 degrees। Try the Sudoku. Sudoku is an interesting game. In it we fill the numbers 1 to
9. And every time the numbers in it there are 9 बॉक्स, यहाँ पर 9 बॉक्स हैं और प्रत्येक में हमने 1 से लेकर 9 तक की डिजिट को हमने फिलअप करना है। जैसे कि हम फर्स्ट बॉक्स में कर सकते हैं, यहाँ पर 9 दिया गया है, 4, 5, 2, 7, हम यहाँ पर 3 फिल कर रहे हैं 1, और उसके बाद हम 8 फिलअप कर सकते हैं इसमें, एंड आफ्टर दैट 6। अब यहाँ पर एक नंबर बन गया, इस तरफ भी नंबर बन रहा है, तो ये सेम नंबर किसी और बॉक्स में नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये गेम इस बॉक्स को इन बॉक्स को कंप्लीट किया जाता है, और दोबारा से सेम डिजिट को, जैसे कि इस डिजिट में 9 दिया गया था, तो दोबारा से इस डिजिट को राइट नहीं करना है, एक डिजिट एक ही बार हमने राइट करनी है। इस तरह से इस बॉक्स को पूरा करना है। डू इट योर सेल्फ, दिस इज योर टूडेज वर्क। थैंक यू।